हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी किचनी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए इस बार हम बात करने वाले हैं सैटरडे वाले शो में। मैं पहले ही बता दे रही हूँ यार, मेरे एक तो इतने एक साइड में इतने सारे प्यारे प्यारे से बच्चे हैं, दूसरी साइड में विकी कौशल है और एमी विर्क है, तो मतलब मैं डेफिनेटली फेवरेट बोलने वाली हूँ कि ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट शो में है, क्योंकि विकी इज माई फेवरेट, देन बच्चाज आर माई फेवरेट। तो एकदम एक नंबर की बायस्ड होके ये वाला जो शो है उसका रिव्यू देने के लिए आ गई हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि बायस ना हो, लेकिन ये बच्चे इतने बदमाश और इतने प्यारे और इतने क्यूट है ना कि मेरा दिल ऐसा मदरली जो फीलिंग्स है वो एकदम बाहर आ जाती है। चलिए शुरू करते हैं विकी कौशल के स्पेशल में। सबसे पहले मतलब बैड न्यूज के स्पेशल में शुभ और अरुणिता आए थे धीरे धीरे से और उनको स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला था। मतलब मैं क्या कहूं, ये गाना भी अच्छा है, शुभ ने गाया भी अच्छा है और अरुणिता ने भी, मतलब शी वॉज लाइक सपोर्टिंग कास्ट कि नहीं शुभ तुम्हारा शो है, तुम्हारा परफॉर्मेंस है, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हुई हूँ। लेकिन हाँ, आपका दिल ना अरुणिता की सिंगिंग स्टाइल पे, उसके लुक्स पर पसीज जाता है, एकदम पिघल जाता है। तो आई थोरली एंजॉय दिस वन, इट वॉज रियली नाइस। इनफैक्ट एमी विर्क ऑल्सो सेड कि भाई तुम इतने अच्छे सिंगर हो, आने वाले समय में हमारी एक म्यूजिक कंपनी भी है, तो मैं तो फिंगर्स क्रॉस करके बैठी हुई हूँ कि मिल जाए, गाने मिल जाए, एल्बम मिल जाए, मजा आएगा। उसके बाद जो सबसे ज्यादा मजेदार मुझे लग रहा था, दैट वाज चुप की आवाज में विकी कौशल ने लिप सिंकिंग किया एंड दैट वाज टू गुड, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। तू है तो मुझे, ये वाला गाना शुभ ने गाया था। फिर अथर और साइली आई एंड आए ये लोग और तड़प तड़प के ये वाला गाना गाया, गाना वॉज टू गुड। आप शुभ का गाना सुनो, फिर आप अथर का गाना सुनो, फिर आपके कान बंद हो जाते हैं, कान का ढक्कन बंद हो जाता है, ऐसा लगता है कुछ और सुनना ही नहीं है, हमको जानना ही नहीं है, कुछ और देखना ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों परफॉर्मेंसेस इतने बेहतरीन थे, इतने बेहतरीन थे कि आपको लगता है कि यार मतलब और क्या बचा है। एंड फिर उसके बाद जिस तरीके से विकी कौशल वॉज ऑल्सो प्रेजिंग अथर वो लॉट, सुन के अच्छा लगता है। मतलब एक हीरो है, वो ये कह रहा है कि फिल्म इंडस्ट्री में जब अथर जैसे कलाकार आएंगे गाएंगे तो फख्र की बात हो जाएगी कि हमारे पास ऐसा ऐसा सितारा भी है जो इतना सुंदर गाता है। एंड आई टोटली अग्री विद दिस, मुझे भी बहुत ज्यादा मजा आया अथर और साइली के इस परफॉर्मेंस में। और विकी का जिस तरीके से उन्होंने संगतकारों को भी, जो बाकी म्यूजिशियन थे उनको भी सलाम किया ना, तो देख के अच्छा लग रहा था। एक वो बहुत थैंक यू जिसे बोला जाता ना, आप बहुत शुक्रगुजार होते हैं हर उस चीज के लिए जो आपकी जिंदगी के आसपास घट रही होती है। विकी का वो रूप मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा एंड आई नो विकी इज लाइक दैट। मैंने कभी भी विकी को अपने आप पे इतराते हुए नहीं देखा, हंसते हुए ही देखा है। मैं कितनी भी उनकी टांग खींच लूं और बोल दूं ये वो ऐसा वैसा, वो मेरी बात पे ठाका मार के जरूर हंसते हैं। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ, तो विकी और ये सारे बच्चे भयानक बायस्ड रिव्यू दे रही हूं मैं। अच्छा, एट द सेम टाइम मुझे यहाँ पर एडिटर जो साहब हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करनी है, जो SS3 को एडिट करने के लिए आते हैं। ये कंटेस्टेंट्स का शो है तो आपसे एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को गाना गाते हुए दिखाइए। एक हाथ दो बार किसी और को दिखा दिया ठीक है, होता यह है कि आप विजुअली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मैं अगर शो देखने के लिए बैठी हूं तो मुझे बच्चे को देखना है रिव्यू करने के लिए अगर, और या ऐसे भी तो मुझे बच्चे को देखना है, उसका वो सुंदर सा चेहरा देखना है। बाकी लोगों को मैं 10 बार देख चुकी हूँ, हाँ मैं कैप्टन्स को भी देखना चाहती हूँ, मतलब सर्टनली मैं पवन अरुणिता को तो डेफिनेटली देखते रहना चाहती हूँ, साइली दानिश सभी मुझे अच्छे लगेंगे कि ये लोग का भी यू नो वीडियो आप डाल रहे हैं, गेस्ट का भी डाल रहे हैं, लेकिन थोड़ा कम कीजिए बाकी लोगों को दिखाना। शुभ और अथर के लिए और इनफैक्ट पीहू के लिए भी कहना चाहूंगी कि जो गा रहा है प्लीज उसको दिखाइए, हम उनको देखने के लिए बैठे हैं, हम उनको सुनने के लिए बैठे हैं, बाकी जो मस्ती है होती रहती है। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बाकी आपका क्रिएटिव फ्रीडम है, आप कुछ भी दिखा सकते हैं, बट जो गा रहा है कम से कम उसको तो दिखाओ यार। एनीवेज, उसके बाद खुशी और सलमान आए ढोल बाजे, और खुशी ने ही एमी के साथ एक गाना भी गाया, That was हंजवाला दरिया। और मुझे सीरियसली ये लग रहा था कि काश ये वाला गाना खुशी अपने परफॉर्मेंस के टाइम में गाती तो कितना मजेदार लगता। शी इज अ वेरी वेरी टैलेंटेड सिंगर, डेफिनेटली अच्छा था। फिर आया पीहू वाला एंड पीहू और पवनदीप का था।
लड़की बड़ी अनजानी है। एंड यहाँ पर भी मैं यही बोलूंगी कि जो जिसको हम सुन रहे हैं उसको देखने की इच्छा है, विजुअली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है व्यक्ति। एटलीस्ट मैं बहुत बार विजुअली डिस्ट्रैक्ट हो रही थी कि अरे पवन की आवाज है लेकिन दिख कोई और रहा है, उनको भी दिखाइए, आपका क्रिएटिव फ्रीडम है। बट देखने वाला विजुअली डिस्ट्रैक्ट होता है जब वो सिंगर को नहीं देखता है। ये एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मान सकें और पवन और पीहू को ज्यादा दिखा सकें तो ज्यादा अच्छा होगा। बाकी के लोगों को हम देखते आए हैं यार, ऐसा तो कुछ है नहीं। एनीवेज, देवी और पवन का फिर गाना आया, देखा है पहली बार ये वाला गाना देवी ने पहले गाया, उसके बाद फिर पवन ऑल्सो ज्वाइन, और फिर पवन का वादा रहा सनम, विच वॉज मोर ब्यूटिफुल। मैं सच बोलूं, देखा है पहली बार मेरा कोई बहुत फेवरेट सॉन्ग नहीं है इसलिए, पर ठीक है देवी गा रही थी इसलिए मैंने सुन लिया। दूसरा गाना वादा रहा सनम वॉज मच मच बेटर, एंड डेफिनेटली देवी ने जिस तरीके से अपने कैप्टन की भी तारीफ की, मुझे वो सुन के भी अच्छा लग रहा था। बिकॉज हाँ, दानिश है वैसा थोड़ा सा, मुझे भी लगता है कि थोड़ा सा केयरिंग एंड थोड़ा सा यू नो एकदम प्रोटेक्टिव बच्चों को लेकर चलता है, ऐसा मुझे भी लगता है। एंड देवेंश्रेया बोल रही है तो डेफिनेटली सच ही होगा, मुझे ऐसा लगता है। उसके बाद फिर क्षितिज और लेजल आए, मेरे महबूब मेरे सनम ये वाला गाना गाया, फिर आर्यन एंड दानिश का था परदेसी परदेसी जाना नहीं, एंड आई लाइक इट। आर्यन की हाई पिच पे ये वाला गाना बहुत अच्छा लग रहा था, और मुझे सबसे ज्यादा मजेदार ये लग रहा था कि हाई पिच पे आर्यन भी है, हाई पिच पे हॉर्स पावर वाले दानिश भी हैं, और दोनों बहुत अच्छे से एक दूसरे को निभाते हुए चल रहे हैं, तो मुझे ये वाला ओवरऑल अच्छा लग रहा था देखने में। क्षितिज को भी एक एक्स्ट्रा सॉन्ग दिया गया था, मुझे वो भी अच्छा लगा था। दुख की बात डेफिनेटली ये आ जाती है कि इस बार अविर्भव नहीं थे, ही वॉजन फीलिंग वेल। एक्चुअली हुआ ये था कि अविर्भव पिछले पूरे हफ्ते में ही हैड फीवर, और इस फीवर के चलते वो शूटिंग में हिस्सा नहीं ले पाए। आप में से कई सारे लोग पूछ भी रहे थे, क्या होता है, चीजें होती हैं। आप बिल्कुल डेफिनेटली मैं आकर बोल सकती हूँ कि अविर्भव नहीं दिखने वाला है, बट क्या होता है, ये सब चीजें हो सकता है जाने अनजाने अविर्भव को, अगर वो सुन रहा है, मुझे नहीं मालूम वो सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, या फिर बाकी के बच्चों को इम्पैक्ट ना कर जाए, इसलिए ये सब चीजें मैं शो के पहले बताने से बचती हूँ। और वैसे भी जर्नलिस्टिकली डेफिनेटली ये कहा जाता है कि शो की जो मेन पॉइंट्स है कभी उसको जरूरत ना हो तो डिस्कस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो शो है ये क्रिएटिव वर्क है एक टीम का, ये कंटेंट टीम का काम है, उन्होंने अपने दिमाग लगा के मेहनत लगा के इतने सारे लोगों की मेहनत, आप सिर्फ यूं ही ओपन कर देते हो तो वो जर्नलिस्टिकली ठीक नहीं है, आप इतने सारे लोगों के लिए सही स्टैंड नहीं ले रहे हैं, तो मैं बचती हूँ। हाँ, बहुत ही ज्यादा कुछ हो गया तो मुझे बोलना पड़ेगा, लेकिन जहां तक कोशिश है मैं ऐसी स्टोरीज नहीं आ रहा है अगले शो में, या फिर वो शो छोड़कर जा रहा है, ये सब चीजें भी मैं ये सब चीजें कहने से बचती हूँ। ये किसी भी शो का, किसी भी प्रोडक्शन हाउस का क्रिएटिव डिसीजन होता है, और उस क्रिएटिव डिसीजन को उस शो जब तक ऑन एयर नहीं हो जाता है तब तक बोलने से बचना चाहिए। ये एक जर्नलिस्टिक अप्रोच है टुवर्ड्स द शो, बाकी के लोगों का मैं कुछ नहीं कह सकती। सो चलिए, मेरे लिए तो मैं बोल रही हूँ भयानक वाला बायस्ड रिव्यू आया है, एक तरफ मतलब विकी कौशल आया है, दूसरी तरफ से सारे बच्चे गा रहे हैं, फिर शुभ और अथर्व की इतनी भयानक वाली परफॉर्मेंस रही है, तो मैंने तो बहुत एंजॉय किया इस शो को। आप अपने लिखिए, कुछ एक पॉइंट्स और हैं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसको मैं अलग से संडे वाले शो के बाद एक हाथ कुछ और स्टोरी बनाऊंगी, उसमें आपको बताने की कोशिश करती हूँ। लेकिन सैटरडे वॉज गुड, इट वॉज नाइस, आई एंजॉय, देखने में भी अच्छा लगा, सुनने में भी अच्छा लगा। जय हिंद।